नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। देश की राजधानी दिल्ली के किरोड़ी विधानसभा क्षेत्र में 3 बदमाशों ने एक ब्रेड सप्लायर को चाकू से मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी मौत हो गई है। ये मामला 2 मई का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान राम रतन नाम के रूप में हुई है। वे इंदर इनक्लेव फेज 2 में अपने परिवार के साथ रहता था। थाना प्रेम नगर पुलिस ने FIR कर धारा 302 334 धारा के तहत 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पड़ोसी सुमित कुमार ने कहा कि चाकू मारने वाले यही 3 लड़के हैं, जिनका नाम जीतू, सतीश और अशोक है। इन्हीं तीनों ने अगर नगर इलाके में मेरे दोस्त राम रतन को चाकू मार के बुरी तरह घायल किया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार शरीर से खून ज्यादा बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 3 मई को मृतक राम रतन को हम सभी लोगों ने दाह संस्कार किया। दिल्ली पुलिस ने 2 बदमाशों को 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और एक बदमाश अभी भी फरार है। उसे भी बहुत जल्द पकड़ने की बात दिल्ली पुलिस कर रही है। मृतक के पिता राम बजर कहते हैं कि जब मेरे बच्चों को चाकू मारा उस समय गोरखपुर में मैं था। जैसे मुझे पता चला दिल्ली चलाया, तब तक मेरे बड़े बेटे ने दाह संस्कार कर दिया था। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ पता नहीं। वही मृतक का दोस्त सुरेश कुमार गौतम ने कहा कि मैं 25 सालों से अपने दोस्त को जानता हूँ, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जहां पुलिस अधिक से अधिक लोगों को मदद पहुंचाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। इसी में महावीर नगर इलाके के शिव शक्ति मंदिर में कुछ चोरों ने 3 गुल्लक के साथ साथ CCTV कैमरा और उसका DVR भी चोरी कर लिया। महावीर नगर के शिव शक्ति मंदिर में सोमवार तड़के चोरों ने धावा बोल दिया और मंदिर का गेट तोड़कर मंदिर के अंदर रखे 3 गुल्लक उड़ा ले गए। साथ ही चोरों ने सबूत छुपाने के लिए मंदिर के अंदर और बाहर लगे CCTV कैमरे भी चोरी कर लिए। मंदिर के अंदर रखा DVR को भी उठा ले गए। चोरी की घटना का तब पता चला जब सोमवार सुबह मंदिर के पुजारी मंदिर में आए। पुजारी ने देखा कि मंदिर का दरवाजा टूटा था और तीनों गुल्लक चोरी ले गए थे। इसके बाद चोरों की तलाशी आसपास के लोगों ने की, साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस घटना से हैरान है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस आसपास के कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि चोरों का कोई सुराग मिल सके। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। दिल्ली के यमुना पार के दयालपुरा इलाके में बीती रात मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी में एक युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात में शामिल आमिर खान नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मृतक और आरोपी दोस्त थे, लेकिन गर्लफ्रेंड पर कमेंट में शुद्ध होकर अपनी दोस्त की हत्या कर डाली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP संजय कुमार सेन ने बताया कि घटना बीती रात करीब 10:45 की है। पुलिस के दयालपुर इलाके में युवक को चाकू मारने, पैसे छीनने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को तत्काल ही जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले गई। उसे RML अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, या इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद शाहरुख खान, उम्र 23 वर्ष, पुत्र अब्दुल गफ्फार, निवासी गली नंबर 3 दयालपुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के भाई सलमान के बयान के आधार पर केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नई दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के आदर्श नगर पुलिस ने मेडिसिन ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शिव कुमार से हुई है, जो दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का रहने वाला है। रविवार को हेमंत कुमार गुलियानी ने आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। गुलियानी ने पुलिस को बताया था कि उनके पिता कोरोना वायरस से पीड़ित है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत नीचे आ रहा है। इसी को लेकर उन्होंने मदद मांगनी चाहिए और कोई सोशल साइट पर मैसेज भी किए। इसी दौरान उसकी शिव कुमार से फ़ोन पर बात हुई, जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 45,000 रुपये मांगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल ऐप के द्वारा पैसे भी भेजे गए, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए आदर्श नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तैनात दरोगा अलका चौधरी ने महिला थाने के इंस्पेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनका थाने के भीतर फूट फूट कर रोते हुए वीडियो भी सामने आया है। आरोपी के बीमार होने के बाद पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई गई। वीडियो महिला थाना प्रभारी ने ही बताया है। इस दौरान दरोगा अलका चौधरी ने गले में चुनरी का फंदा बनाकर फांसी पर लगाने की कोशिश की। मामला दूर पकड़ने के बाद बड़े अधिकारियों ने महिला CO क्षेत्र अधिकारी को जाँच सौंपी है। दरोगा अलका चौधरी मवाना थाना क्षेत्र की महिला रिपोर्टिंग चौकी पर तैनात है। दरोगा अलका का कहना है कि वे एक माह से बीमार चल रही है और चुनाव में मेरठ के अलावा बागपत और बुलंदशहर में भी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई गई, जबकि बीमारी के बाद महिला थाना इंस्पेक्टर संध्या सिंह को बताई थी, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई और लगातार उत्पीड़न किया जाता रहा। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद के जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक हत्या आरोपी राजकुमार उर्फ राजू हथकड़ी से अपना हाथ निकालकर फरार हो गया। जिस समय राजकुमार के पास एक होमगार्ड ही मौजूद था, एक सिपाही खाना खाने के लिए गया हुआ था। होमगार्ड को अपनी बातों में लगाकर राजकुमार ने हथकड़ी से अपना हाथ निकाली और मौका पाकर जिला अस्पताल से फरार हो गया। नागफानी पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार राजकुमार मूल रूप से अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के गांव ईश्वरपुरा का रहने वाला था। वे पिछले 2 महीने से अपनी पत्नी निधि के साथ नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव में स्थित ससुराल में रह रहा था। 1 अप्रैल को शाम राजू ने अपनी पत्नी निधि की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और खुद फांसी पर झूलने का नाटक किया था, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।
राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में सोमवार की दोपहर एक पेट्रोल पंप के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात पंप से कुछ दूरी पर अमरिया खेड़ा सिंसेडी के पास की है। मृतक मैनेजर निगोहा का रहने वाला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मृतक के मोबाइल का नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। थाना निगोहा के मंगटैया गांव निवासी जसवंत सिंह मोहनलालगंज थाना क्षेत्र स्थित सीएसएनडी पेट्रोल पंप का मैनेजर था। सोमवार की दोपहर वे किसी काम के लिए पेट्रोल पंप से बाहर निकला था। भीलमपुर के बाद नहर के किनारे से बदमाशों ने गोली मार दी। मृतक की कनपट्टी पर गोली के निशान मिले हैं। घटनास्थल से एक पर्स, कागज, बाइक और एक तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस इस मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है, जिसको लेकर पुलिस मृतक के परिजन और उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू करती है। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। लॉकडाउन के बीच जब हर नाके पर पुलिस तैनात है, इसी बीच सोमवार को लॉकडाउन के पहले ही दिन लूट के प्रयास जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। मकडोली खुर्द स्थित एक्सिस बैंक शाखा में सोमवार दोपहर करीब 1:15 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट का प्रयास किया। गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली चलते ही हड़कंप मच गया और अफरा तफरी के बीच बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। शुक्र रहा कि गोली सीधे सुरक्षाकर्मी के सिर में नहीं लगी। घरपट्टी के पास गहरा घाव हुआ है। फिलहाल हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सुरक्षाकर्मी को गंभीर हालत में PGIMM में भर्ती कराया गया। थाना सदर पुलिस ने घायल सुरक्षाकर्मी वीरेंद्र के बयान पर 5 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।